बातें हैं फोर्ड की मस्टैंग, और आज के इस वीडियो रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये है द बेस्ट अफोर्डेबल सुपर कार व्हिच यू कैन यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अ बिग थैंक्स टू यू, आज हमने 50 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और आपके सपोर्ट और इनकरेजमेंट के बिना मैं इस चैनल को ना लॉन्च कर पाता और ना ही मैं यहाँ तक पहुँच पाता। तो थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर फॉलोइंग ऑन दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉर फॉलोइंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन ट्विटर। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था थोड़ी सी घबराहट थी दिल में, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि पहले हम करीब 5 लाख सब्सक्राइबर पहुँच चुके थे, तो मुझे घबराहट थी कि क्या नई जगह पर लोग मेरे से जुड़ेंगे। लेकिन आपके सपोर्ट, आपके प्यार और आपकी इंकरेजमेंट की वजह से हम यहाँ पहुँच गए, ऑब्वियसली हम आगे भी जाएंगे। आई एम श्योर मोर पीपल विल जॉइन अस, और हमारा सपोर्ट और ये वीडियोज़ ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द मैन्युफैक्चरर्स जो मुझे गाड़ियाँ भेजते रहे टाइम से, क्योंकि उसके बगैर भी वीडियो बनाने में दिक्कत आ जाती है, और जिन्होंने नहीं भेजी गाड़ियाँ उन सबको भी थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप दैट योर सेल्स फॉल वेरी सून। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो रिव्यू को और बताते हैं आपको मस्टैंग की कुछ खूबियाँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा म्यूजिक चलाता हूँ, गाड़ी के चारों तरफ चक्कर कटाता हूँ और दिखाता हूँ गाड़ी कितनी खूबसूरत है, कितनी मस्कुलर है, और क्यों उस गाड़ी को देखकर आपको याद आ जाएगी द रॉक की, हल्क होगन की और स्टोन कोल्ड की, क्योंकि उन्हीं की तरह गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक सुपर कार की, एक स्पोर्ट्स कार की, एक पावरफुल गाड़ी की इंजन तो होती है, लेकिन उसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू ड्राइविंग आर द टायर्स। और इस गाड़ी में आपको मिलेंगे पिरेली के P0s। ये 19 इंच के टायर हैं और आगे और पीछे के टायर में फ़र्क है। ये जो टायर है ये है 275 सेक्शन का टायर, आगे वाला है 255 का, थोड़ा सा छोटा है वो ओवरऑल विथ के हिसाब से। और ये इसलिए क्योंकि इस गाड़ी का सारी पावर पीछे आती है, और इसलिए भी क्योंकि इसमें एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं लाइन लॉक। लाइन लॉक क्या होता है तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो टायर पूरा घिस जाएगा, और एक टायर घिसने का मतलब ये है कि गाड़ी भी कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो फोर्ड वाले मुझे डांटेंगे और मुझे उनसे दोबारा एंडेवर भी तो चाहिए, क्योंकि और वीडियो बनाने एंडेवर की, इट्स माई फेवरेट SUV। तो एनीवेज़ ये टायर है 25 से 30 हज़ार रुपये का इंडिया में अगर आप खरीदने जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि लाइन लॉक क्या होता है। आप लाइन लॉक करते हैं तब गाड़ी में एक बटन है, फंक्शन आप दबाएंगे तो आए गए टायर लॉक हो जाएंगे, मतलब ब्रेक लग जाएगा उन पर, और पीछे वाले स्पिन करेंगे, धुआं धुआं हो जाता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत मज़ा आता है करने में। मैंने किया नहीं है और करूँगा भी नहीं, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, गाड़ी का बूट अगर बड़ा ना हो तो मैं गाड़ी को नंबर कम देता हूँ, लेकिन इस गाड़ी का बूट काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, बड़ा है और डीप है। एपिचर भी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस सेवर व्हील रखा है और उसके नीचे फोर्ड ने एक बड़ा प्रॉपर फुल साइज़ व्हील डाल रखा है। ये सिर्फ इस गाड़ी के लिए है, और ये मीडिया कार है तो शायद किसी ने टायर पंक्चर किया होगा या एक्स्ट्रा टायर फोर्ड ने डालना ठीक समझा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया, बट दिव गिवन इट। ओवरऑल बूट इज़ नाइस एंड स्पेशियस। अब जानते हैं मेरे मेहमान काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं उन्हें जब छोड़ने आता हूँ तो मेरे को बूट अच्छा चाहिए गाड़ी में। बूट के मामले में इसको क्या स्कोर दें, उनसे GT कार, और GT का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जब ये पीछे GT वर्ड्स देखेंगे, जब आप देखेंगे लिखा हो तो आप सोचेंगे क्या लिखा है। GT का मतलब है ग्रैंड टूरिज्मो, इट्स एन इटालियन वर्ड, और इसका मतलब होता है कि गाड़ी अच्छी है लंबे डिस्टेंस के सफ़र पे, जब आप लंबे रास्ते पर निकलेंगे या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे, क्योंकि यूरोप में लोग कंट्री चेंज कर देते हैं जब लंबे डिस्टेंस पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा मिलता है, यूरो वीज़ा जो होता है, शेंगेन वीज़ा जो होता है, उससे एक कंट्री आराम से चेंज करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टाइल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट एज वेल एज पावर। हाँ जी, तो मैं हूँ इस टाइम फोर्ड मस्टैंग एक कैबिन के अंदर, और ये गाड़ी जो है अंदर से बहुत ही रेट्रो डिज़ाइन की है, बहुत ही ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है इसका, और ये उन लोगों को पसंद आएगा जो ओरिजिनल मस्टैंग के दीवाने थे या फ़ैन थे। और ओरिजिनल मस्टैंग 1964 में लॉन्च हुई थी, और फोर्ड आपको ये बात याद दिलाएगा यहाँ पर एक प्लेक लगा के छोटी सी, मस्टैंग सिंस 1964 लिखा है, और एक घोड़ा इसमें भाग रहा है,
अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ लेदर मिलता है स्टिचिंग के साथ, यहाँ पर भी लेदर है और जो स्टेयरिंग व्हील है पकड़ने में आपको मज़ा आएगा। जब आप एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं और आप डंबल उठाते हैं तो जैसा अगर आपको कोई डंबल हो 7.5 किलो का बिल्कुल आपके हाथ में सही बैठता है, 10 किलो का बिल्कुल सही बैठता है और आपको मज़ा आता है एक्सरसाइज करने, वैसे ही आपको स्टेयरिंग को पकड़ कर मज़ा आएगा। बात करें अगर हम स्विच गियर की तो यहाँ पर जो स्विचेज हैं ये टॉगल टाइप के स्विचेज हैं पुराने ज़माने के और आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी नएपन का एहसास होगा कि ऐसे स्विचेज आजकल गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते। हाँ मिनी में भी आते हैं लेकिन उसमें एक दो स्विच आते हैं, इसमें 4-5 स्विच दे रखे हैं और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इस स्विच को जो कि है ब्लिंकर्स के लिए, इमरजेंसी ब्लिंकर जब ऑन करते हैं। साथ ही में यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का बटन और उसके साथ स्टेयरिंग व्हील के अंदर वजन बढ़ाने का और घटाने का बटन भी दे रखा है। तो आप स्पोर्ट, कम्फर्ट या नॉर्मल सेटिंग चूज़ कर सकते हैं और सबसे लेफ्ट में मोड दे रखे हैं तो अगर आप मोड में नहीं हैं गाड़ी भगाने के तो आप इसको डाल सकते हैं नॉर्मल मोड में और ये मोड बेस्ट है फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से। और फिर डाल सकते हैं आप स्पोर्ट प्लस में या फिर रेस ट्रैक मोड में जिसके अंदर की ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो जाता है, या फिर आप डाल सकते हैं स्नो एंड वेट मोड में। यहाँ पर जो गेजेस दे रखे हैं इनका भी काफ़ी लुक एंड फील पुराने ज़माने का है। एक स्पेशल टच जो फोर्ड ने दिया है वो ये कि जो स्पीडोमीटर है इसके ऊपर ग्राउंड स्पीड लिखा हुआ है, यानी गाड़ी टेक ऑफ करने के लिए रेडी है और बहुत ही कूल और बहुत ही हेल्पफुल टच है ये। साथ ही साथ KMH के साथ साथ आपको माइल्स पर आर भी दे रखे हैं क्योंकि गाड़ी का अमेरिकन बेस है, गाड़ी अमेरिका की है, एक लेजेंडरी ब्रांड, तो माइल्स पर आर वहाँ पर माइल्स में ही रीडिंग होती है। साथ ही साथ आपको मिलते हैं इसके अंदर हीटेड सीट्स और कूल्ड सीट्स भी, ये बहुत अच्छा फीचर है। और जो इसका टच स्क्रीन है फोर्ड तो अच्छे टच स्क्रीन बनाता है, ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ करने में, नेविगेशन इसकी अच्छी है, फ़ोन से कनेक्टिविटी अच्छी है और ओवरऑल काफ़ी ईजी है यूज़ करने के मामले में। बात करें अगर हम यूटिलिटी प्लेसेस की तो आपको इस गाड़ी में यहाँ पर 2 बड़े बेवरेज होल्डर मिलते हैं और एडजस्टेबल हैं, तो अगर आप कॉफ़ी लेते हैं स्टारबक्स की यहाँ पर रख सकते हैं आप लंबे सफ़र पे, या अगर आप चाहें तो डाइट कोक का कैन भी रख सकते हैं, एक थोड़ा बड़ा है दूसरा थोड़ा छोटा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कॉफ़ी पिएगा, कौन लार्ज साइज़ पिएगा और कौन छोटे साइज़ की पिएगा, आप या आपका पैसेंजर। साथ ही साथ एक बड़ा डब्बा यहाँ है जहाँ पर बहुत सारा सामान रख सकते हैं और USB के साथ साथ एक SD कार्ड रीडर भी है और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। साथ ही साथ जो दरवाजे हैं बहुत डीप तो नहीं है लेकिन छोटी बॉटल्स इनमें आराम से आ जाएंगी। जो ग्लव बॉक्स है वो भी ठीक है साइज़ में और लॉकेबल है तो ये भी एक अच्छी बात है। एक नेगेटिव भी बता देता हूँ इससे पहले आप बोलें कि फोर्ड ने आपको पैसे दे रखे हैं, वो नेगेटिव ये है कि जो यहाँ पे हेडलैम्प का जो स्विच है ये आपको याद दिला देगा आपकी फिगो की और याद दिलाएगा शायद आपको एंडेवर की या फिर याद दिलाएगा आपको अस्पायर की, क्योंकि बहुत सिमिलर है और क्वालिटी भी इसकी उन्हीं गाड़ियों की तरह है। तो खैर ये तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा बोल दिया ताकि आप ये ना बोले कि फोर्ड ने मुझे पैसे दिए सिर्फ तारीफें करने की। अब बात करते हैं गाड़ी को चलाने की। इस गाड़ी में आता है 5 लीटर का, जी हाँ 5 लीटर का V8। अब V8 का मतलब क्या है, V8 का मतलब है कि इसमें 8 सिलेंडर हैं और वो बने हैं वी फॉर्मेशन में, मतलब ऐसे ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को और साथ ही साथ पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस भी इन इंजन की काफ़ी अच्छी होती है। ये गाड़ी बनाती है करीब 400 BHP और बनाती है करीब 515 Nm ऑफ टॉर्क और साथ ही साथ 0-100 की जो फिगर है वो ये क्रॉस करती है करीब 4 सेकंड से थोड़े ऊपर में, विच इज़ प्रीटी गुड कंसिडरिंग इट्स वेट एज वेल एज इट्स साइज। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक दो नेगेटिव्स की, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक दो नेगेटिव्स पहले ही बता दूं। पहला जो एक नेगेटिव है वो है कि गाड़ी बहुत बड़ी है ये और जो इसका ओवरऑल टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप शहर में गाड़ी चलाते हैं और आपको बार बार यू टर्न लेने पड़ते हैं या आपके नीचे पार्किंग के इलाके में थोड़ी सी दिक्कत है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गाड़ी जब मूव करेंगे अराउंड तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बारी में गाड़ी नहीं मुड़ेगी, या तो फिर बहुत ही चौड़ी सड़क हो जो कि दिल्ली में तो होती है लेकिन मुंबई में या किसी और शहर में शायद ना हो। तो टर्निंग रेडियस गाड़ी का बहुत बड़ा है। दूसरा जो नेगेटिव है वो नेगेटिव तो नहीं लेकिन मैं ऐसे ही टिका टिप्पणी कर रहा हूँ, वो ये है कि बॉनेट खोलने के लिए आपको लेफ़्ट साइड पर इसका हुड का ओपनर ढूंढना पड़ेगा, यानी कि जिसे खोलते हैं जो बटन लगा होता है वो राइट साइड पे नहीं है। लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए गाड़ी बनी थी ओरिजिनली ये, लेकिन क्योंकि UK की मार्केट राइट हैंड ड्राइव, इंडिया की मार्केट राइट हैंड ड्राइव है तो उन मार्केट्स के लिए राइट हैंड ड्राइव गाड़ी बनी, लेकिन वो चेंज करना वो भूल गए। तो दिल्ली में अगर आप किसी होटल में जाएंगे और वो बोलेंगे अपना बॉनेट खोलिए और आपके साथ कोई नहीं बैठा होगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, उसे खोलने के लिए आपको थोड़ी सी कशमकश करनी पड़ेगी। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंजन इज़ वेरी एक्सेसिबल, ऐसा नहीं कि गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा
रेव करना पड़ेगा तभी इंजन से परफॉर्मेंस आएगी। ये हल्के रेव पे भी परफॉर्मेंस अच्छी देता है। और एक और बात जो इसकी अच्छी है वो ये है कि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी अच्छी है और सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। सो यू विल नॉट रियली हैव टू स्लो डाउन फॉर दोज बैडली पैस्टअप रोड्स ऑफ फॉर दोज रंबल स्ट्रिप्स ऑफ फॉर दैट बैडली मेड स्पीड ब्रेकर नेक्स्ट टू योर हाउस। आप उस पर आराम से निकल सकते हैं, गाड़ी को आरा टिक्चा करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया टायर्स जो इसके हैं आगे 255 सेक्शन के हैं और पीछे 275, तो ग्रिप लेवल्स तो अच्छे होने ही हैं और ग्रिप लेवल्स बेहतरीन हैं। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें आप ट्रैक्शन नहीं तोड़ पाएंगे इस गाड़ी का, चाहे आप बहुत तेज़ घुमाएं इस गाड़ी को राउंड अबाउट्स पे या आप गाड़ी से स्किड मारने की कोशिश करें, कुछ भी करें बहुत मुश्किल है। हाँ, लाइन लॉक करके ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वैसे करने में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इसका ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा है, ग्रिप लेवल्स बहुत बेहतरीन है। और साथ ही साथ इतनी पावरफुल गाड़ी होने के साथ एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो है ब्रेकिंग। और इस गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी आलीशान है, जैसे ही आप एकदम पेडल दबाएंगे तो इस गाड़ी में ऐसा लगेगा कि एंकर गिरा दिया, शिप एंकर गिराती है वैसे आपको लगेगा, इस गाड़ी के साथ ऐसा लगेगा कि शिप ने एंकर गिरा दिया है और गाड़ी वहीं पर एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगी, एकदम स्लो हो जाएगी, विच रियली इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थिंग स्पेशली फॉर अ कार विच मेक्स ओवर 400 BHP। सो फुल मार्क्स टू फोर्ड फॉर गिविंग इट सच सॉलिड ब्रेक्स एंड सच ब्रिलियंट टायर्स विच गिव इट सच गुड ग्रिप। सस्पेंशन इसकी काफ़ी कंफर्टेबल जरूर है लेकिन थोड़ी सी फर्म तरफ है, थोड़ा सा फर्मर सस्पेंशन सेटअप है विच मेक्स इट अ ग्रेट कार फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज एज वेल एज द हाईवे। हाँ, थोड़े बहुत जो रबल स्ट्रिप्स बैडली मेडअप होते हैं उनके ऊपर से आपको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ झटके अंदर आ सकते हैं, लेकिन फॉर अ GT कार, फॉर अ कार विद सो मच परफॉर्मेंस, फॉर अ कार विद सो मच पावर, आई थिंक द सस्पेंशन डज इट्स जॉब रियली वेल एंड इट्स एंजॉयबल कार टू ड्राइव। अगर बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो आप इसमें 3 डिफरेंट मोड्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस बटन को दबाकर टॉगल स्विच का यूज़ करेंगे, कंफर्ट सेटिंग जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ नॉर्मल सेटिंग। और कंफर्ट और नॉर्मल में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, वज़न जो स्टेयरिंग में है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपको स्टेयरिंग को हैवी करना है, बहुत ज़्यादा फीलसम करना है तो आप स्पोर्ट सेटिंग चूज़ कर सकते हैं और उसमें ये बहुत ही एक्यूरेट होने के साथ साथ थोड़ा हैवी हो जाता है और आपको कसरत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसे यूज़ करने में। लेकिन चाहे आप कोई भी सेटिंग यूज़ करें, इट्स अ वेरी वेल वेट स्टेयरिंग एंड यू विल रियली एंजॉय ड्राइविंग इट बिकॉज इट्स वेरी एक्यूरेट, इट्स एज क्रिस्प एज अ बैग ऑफ रफल लेज एंड इट्स ऑल्सो वेरी डायरेक्ट, वेरी रिस्पॉन्सिव। जब आप इस गाड़ी को मोड़ेंगे मोड़ों पर या आप इसे ले आएंगे ट्रैक पर तो ये गाड़ी आपको एग्जैक्टली उतना ही फीडबैक देगी, स्टेयरिंग व्हील उतना ही फीडबैक देगा जितना आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। देयर इज नो लैक इन इट, इट्स वेरी प्रिसाइज एंड डेड सेंटर पे भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं कि 1970s की मूवी की तरह कुछ होगा ही नहीं, इट एक्चुअली मूव द कार, इट इज़ दैट गुड। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी शोर तो करती नहीं, शोर शराबा तो ज़्यादा करती नहीं तो मैं गाड़ी क्यों खरीदूँ, या हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो कहे कि नहीं यार गाड़ी शोर बहुत करती है, मैं खरीदना नहीं पसंद करता। मुझे नहीं पता आपका बहाना क्या है, आपका क्या सोचना है इस बारे में, लेकिन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट इन द GT मोड, आप आराम से गाड़ी को नहीं चला रहे हैं जैसे मैं चला रहा हूँ इस वक्त, 90 में गाड़ी चल रही है और यहाँ पे इंजन करीब 1400-1500 के आसपास रेव कर रहा है, गाड़ी छठे गियर में है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसका, तो कैबिन बहुत ही शांत रहता है। लेकिन अगर आपका मूड चेंज हो जाए, अगर आप कहें नहीं मुझे गाड़ी को शोर शराबे वाली बनाना है, तो आप अगेन सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसे डाल सकते हैं स्पोर्ट मोड में या ट्रैक मोड में और उसके बाद जब आप इंजन को रेव करेंगे तो एक अच्छा थ्रोटी करके बब्बर शेर की आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा कहीं पर शेर गुर्रा रहा है, या हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि बादल कहीं पर गरज रहे हैं, आज तो खैर मौसम साफ है लेकिन आपको ऐसा लगेगा। एंड इट्स अ लाउड कार व्हेन यू वांट इट टू बी लाउड एंड इट्स ऑल्सो अ साइलेंट कार व्हेन यू वांट इट टू बी क्वाइट एंड साइलेंट इनसाइड द कैबिन। एक बात जो बैठते ही मुझे गाड़ी की बहुत अच्छी लगी वो इसका लंबा बॉनेट। याद रखिए इस गाड़ी में आता है एक V8 इंजन, 5 लीटर का V8 इंजन है, कोई छोटा मोटा इंजन नहीं है, कोई टर्बो चार्ज इंजन नहीं, इट्स जेन्युइन प्रॉपर मसल सुपरकार। एंड दिस लॉन्ग बॉनेट रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी दैट दिस कार हैज़ ऑन द रोड। साथ ही साथ जब भी आप इस शीशे में देखेंगे तो इस शीशे को देख के आप खुश होंगे क्योंकि रेयर व्यू में आपको देखेगा इसके पीछे के हॉर्नचेस जो बने हुए हैं, जो मसल डब रेयर फेंडर है, उससे भी एक सेंस ऑफ स्पोर्टीनेस, एक सेंस ऑफ पावर, एक सेंस ऑफ परफॉर्मेंस आता है। एंड एवरी टाइम यू डू दिस यू रियलाइज दैट यू सिटिंग इनसाइड अ वेरी स्पेशल कार एंड दैट एड्स टू द फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस अबाउट दिस होल पैकेज। अब ये गाड़ी बनी है लंबे सफ़र के लिए, GT कार है और साथ ही साथ ये बनी है शान के लिए, ये बनी है लुक्स के लिए, बनी है परफॉर्मेंस के लिए, तो इन गाड़ियों में ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ज़्यादा कंफर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट दैट सेड द सस्पेंशन सेटिंग ऑफ द मस्टैंग इज सरप्राइजिंगली वेरी गुड। येस इट इज़ स्लाइटली ऑन द फर्मर साइड, थोड़ा फर्म जरूर है इसका सस्पेंशन, बट इट्स नेवर सो फर्म कि आप एकदम अनकम्फर्टेबल जाएँ या आपकी बैक दर्द कर जाए, बोले आए मेरी बैक दर्द कर गई, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, सीधा पैर सीधे कर लेता हूँ, बैक सीधे कर लेता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ओवरऑल मस्टैंग के बारे में आपको क्या बोलूँ, आप देख ही सकते हैं गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, चलाने में बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव फैक्टर है इसमें, और ये गाड़ी काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अब अफोर्डेबल कैसे है, वेल ऑल अदर कार्स व्हिच हैव 400-500 BHP इंजन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव कम्पेयर टू दिस कार एंड दैट मेक्स इट गुड वैल्यू एज वेल। सो इफ यू लकी इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ कैश लाइंग अराउंड, आई वुड सजेस्ट कि आप इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये बन सकती है आपकी एवरी डे अफोर्डेबल सुपर कार। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.